बनकर उनकी आंखों में झलकने वाले आंसू उनका दीदार तो कर सकते हैं, पर उनको पा नहीं सकते तो क्या, पर उनको प्यार तो कर सकते हैं। इस वक्त हम कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे। चाय हमारी बनने वाली है, हमारी चाय एक बार आ जाए उसके बाद हमारी चर्चा भी शुरू हो जाएगी। जो वादे करके बीजेपी आई थी सत्ता में, क्या पूरे कर पाई होगा? अभी तो वादे तो बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं, पर आने वाले समय में 2019 में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ही आएंगे। क्या लगता है आपको सरकार किसकी आने वाली है 19 में? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की आई। राहुल गांधी को ये मौका मिलना चाहिए, यंग स्टार को भी। और मोदी जी ने क्या किया, हेमंत बिरजे जब हमारा जवान शहीद हुआ, जब वो यहाँ बोले थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, यहाँ ब्रजवासियों की दाल रोटी जो है यात्रियों पर है, यात्रियों को 4 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं। मोदी जी ने शुरू में जो शुरुआत जो करी थी, बैठते ही जो नोटबंदी कराई थी, उस टाइम पर पब्लिक जो है बहुत स्लो हो गई थी, गरीब लोग फंस गए थे उसमें। उसके बाद में बहुत अच्छा होता गया तो मोदी उस टाइम पे फिर लेवल में आ चुके थे। तो क्या लगता है कि बीजेपी या एनडीए जो भी है, एनडीए आएगी या फिर महागठबंधन आएगा? इससे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आने वाला है 2019 में? कोई भी है, हमको बस सरकारी नौकरी हमें देगी तो कोई भी सरकार आएगी वोट देंगे बस, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद कोई भी कुछ नहीं कर। सबसे पहले तो संविदा की जॉब निकालनी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। वैसे तो अभी मोदी जी को मैं गलत नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी बहुत बढ़ाई है। तो आप किसे देखना चाहती है, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी को। 4 साल में धरातलों कुछ काम नहीं हुआ, सबसे बढ़िया राहुल गांधी रहेगा प्रधानमंत्री। नोटबंदी के बारे में लोग कई लोग कहते हैं कि काफी अच्छा हुआ नोटबंदी हुई, लेकिन आप बता रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला गलत था। बिल्कुल 100% गलत था। लोग यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कई लोग राहुल गांधी को भी यहाँ पर पसंद कर रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बहरहाल कृष्ण की भूमि वृंदावन में हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और लोगों से हमने चाय पर चर्चा की, चाय मैं भी पी रहा हूँ और काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां दमखम लगा देंगी, पूरा जोर लगा देंगी, लेकिन 2019 में जब चुनाव होंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार सत्ता का ताज किसके सर पर सजने वाला है। अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, मथुरा वृंदावन।